Hello children, today we will do part B of part A में हमने देखा कि किस तरीके से ओमाना एक इंटरेस्टिंग जर्नी करने के बाद अपनी अमूमास के प्लेस पर पहुंची। अमूमास मीन्स अपनी नानी माँ के घर गांव में। नाउ चिल्ड्रन यहाँ पर देखिए, एक रेलवे टिकट दी गई है, ठीक है। इस रेलवे टिकट को आपको देखना है, उसमें कुछ कुछ डिटेल्स हैं टिकट में, जैसे कि ट्रेन नंबर और बर्थ नंबर, डेट, फेयर, डिस्टेंस। ओके, तो हम देखेंगे कि देखिए द ट्रेन नंबर, तो ट्रेन नंबर क्या है, कहाँ पर है ट्रेन नंबर। चलिए हम ऊपर में जो सबसे ऊपर वाला जो कॉलम है उसमें हम देखेंगे पीएनआर नंबर, ट्रेन नंबर, डेट, किलोमीटर, एडल्ट और चाइल्ड लिखा हुआ है। तो बुक में आप ध्यान से देखिएगा, तो ट्रेन नंबर के नीचे ही 9037 लिखा है, दिख रहा है ना। हाँ, तो हम इस ब्लैंक में लिखेंगे 9037। ओके, तो यह है ट्रेन का नंबर। द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, अभी किस डेट को जर्नी स्टार्ट करनी है, ये कहाँ पे लिखा है। ट्रेन नंबर के ही साइड में देखिए 24/12/2006, वहाँ पर ये डेट है टिकट के। और ना द बर्थ एंड द कोच नंबर, अभी कोच नंबर यानी जो बॉक्स है जिस ट्रेन में हमें बैठना है, किस डब्बे में बैठना है, वो कोच होता है, और सीट नंबर को बर्थ नंबर कहते हैं। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है कि, तो ये लिखा हुआ है जो बर्थ सीट नंबर जो है वो A1 दिख रहा है आपको सेंटर में। रुके, मैं मार्क करके बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये सीट नंबर लिखा हुआ है, और LB SL UB, ये हमारा प्लेस है कि लो LB मतलब लोअर बर्थ, UB मीन्स अपर बर्थ, ओके, और SL मतलब साइड लोअर, यानी साइड में भी सीट होती है, दो सीट ऊपर और नीचे, तो उसमें जो लोअर नीचे वाली सीट होती है उसको लोअर बर्थ कहा जाता है, साइड लोअर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेयर, अब टोटल कॉस्ट कितना लगा टिकट में। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में लिखा है 2578 रुपीज़ ये चार्जेस थे। एंड देन द डिस्टेंस कितना था वो हमें देखना है। डिस्टेंस भी हमें ऊपर दोबारा से देखना होगा, जहाँ पे डेट लिखा था 24 दिसंबर यानी 12/2006, उसी के साइड में 643 लिखा हुआ है, तो ये 643 किलोमीटर्स है, यानी जहाँ से ओमाना बैठी अहमदाबाद से कोटायम तक का जो डिस्टेंस था वो कितना था, 643। तो यहाँ पर स्टेशन भी दिखाया होगा, ये देखिए बोर्डिंग जो है यहाँ पर इस डेट को है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट, ये तो हो गया रेल जो टिकट होती है वो, अभी जो ट्रेन का जो चार्ट होता है कि जो रूट होता है ना, कि ट्रेन किस किस रूट पर कितने बजे पहुंचेगी किस स्टेशन पर, अब वो देखेंगे। अ रेलवे टाइम टेबल गिव्स डिटेल अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन, तो जो रेलवे टाइम टेबल है वो हर एक ट्रेन का रूट बताती है, रूट प्रोवाइड करते हैं ट्रेन का। द स्टेशन अलॉन्ग द रूट, व्हाट टाइम द ट्रेन विल रीच एंड लीव ईच स्टेशन, कि किस टाइम पे वो किस स्टेशन पे पहुंचेगी, वहाँ से कितने बजे खुलेगी, वापस स्टार्ट होगी। द डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर करेगी। वी कैन बाय अ रेलवे टाइम टेबल फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, तो हम रेलवे टाइम टेबल से ये ट्रेन रूट वाली बुक परचेस कर सकते हैं। तो सम पोर्शन ऑफ द टाइम टेबल फॉर द रूट ऑफ ट्रेन ऑन विच ओमाना ट्रेवल आर गिवन, तो एक देखिए यहाँ पे चार्ट दिया है जिसमें ओमाना ट्रेवल कर रही थी, वो ट्रेन का क्या नाम था, गांधीधाम नगरकोइल एक्सप्रेस, नंबर था 16635 ट्रेन नंबर। तो यहाँ पर दिया गया है कुछ स्टेशंस जो कि वो ट्रेन का रूट, ओमाना ट्रेवल कर रही थी उस ट्रेन का रूट दिया गया है, नंबर, सीरियल नंबर,
स्टेशन नेम, पहले सीरियल नंबर 1, 2, 3 ये दिया गया है स्टेशन नेम, किस स्टेशन से वो स्टार्ट हुई और कहाँ तक गई और कौन कौन से स्टेशन उनके बीच में आए, अराइवल टाइम उस किस स्टेशन को कितने बजे पहुँची और डिपार्चर टाइम मतलब वहाँ से वो स्टार्ट हुई दोबारा से। तो डिस्टेंस कितना है, जैसे अहमदाबाद से वडोदरा का डिस्टेंस, गांधीधाम से अहमदाबाद का डिस्टेंस कितना दिया 301, एंड देन अहमदाबाद से वडोदरा 400, अहमदाबाद से वडोदरा हो गया 100 किलोमीटर, तो 401 हो गया। तो इस तरीके से डिस्टेंस वो ऐड होता चला जाएगा आपके स्टार्टिंग वाले स्टेशन से। तो इसमें देखिए गांधीधाम में ट्रेन स्टार्ट हुई गांधीधाम से 5:15 पर अर्ली मॉर्निंग और अहमदाबाद रीच हुई 11:30 पर सेम डे। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में डे दिया है, मतलब डे वन मतलब जो सेम डे गाड़ी जब स्टार्ट होती है, और सेकंड डे मतलब जब ट्रेन कंटिन्यू रन करती है बट डे चेंज हो जाता है, तो वो सेकंड आ जाता है वहाँ पर। तो ये देखेंगे आप, तो गांधीधाम में ट्रेन स्टार्ट हुई 5:15 अर्ली मॉर्निंग, अहमदाबाद रीच हुई 11:30 और डिपार्ट कब हुई 11:50 पर, और गांधीधाम से अहमदाबाद का डिस्टेंस है 301 किलोमीटर। नाउ वडोदरा, सूरत, वलसाड, भिवंडी, मडगांव, उडुपी, कोझिकोड़े, त्रिचूर, एर्नाकुलम, कोट्टायम, त्रिवंद्रम एंड देन नागरकोल, ये सारे स्टेशन्स आए इनके बीच में गांधीधाम से लेके नागरकोल तक, जिसमें सुनील को कहाँ जाना था कोझिकोड़े स्टेशन पर और अमाना को कोट्टायम। कोझिकोड़े और कोट्टायम यानी सुनील के स्टेशन से ओमाना के स्टेशन तक। तो अच्छे से ये चार्ट समझ लीजिएगा एंड चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का जो राइटिंग पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल एमसीक्यूज मैच द फॉलोइंग जो भी हम सेक्शन वाइज करते हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे से चैप्टर समझ गए होंगे और वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। थैंक यू।